जवाहर नवोदय विद्यालय में डॉक्टरों की टीम दूसरे दिन भी जमी रही। टीम यहां बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। 7 बच्चों को जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। लूज मोशन के अलावा बच्चों में टाइफाइड की शिकायत भी देखने को मिली, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई है। अभिभावक भी बच्चों का स्वास्थ्य जानने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। इस दौरान बच्चों की सेहत पर ध्यान देते हुए 6 बच्चों को घर भी भेजा गया। आज मैं भी यहाँ विजिट करने आई हूँ, नवोदय विद्यालय ये सिमार में। तो मैंने देखा कि कल जैसे इन्होंने बताया था कि 72 बच्चों को डायरिया हल्का फुल्का, मतलब माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया इनको था, लूज मोशन, और 12 बच्चों को बुखार की शिकायत थी। तो फिर आज हम लोगों ने पानी को भी हमने सैंपलिंग के लिए भिजवाया है कि भाई इतना कॉमन कहीं कॉमन सोर्स ना हो कोई पानी या खाने की वजह से, क्योंकि लगा 72 बच्चे एक साथ डायरिया होना, मतलब थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि कहीं पानी या खाने में कुछ गड़बड़ी ना हो। तो इसके लिए भी मैंने सैंपलिंग भिजवा दिया है और मेरी हेल्थ टीम यहाँ लगातार ही कल से बनी हुई है। कल भी आई थी, आज भी आई है, लगातार 2-3 दिन रहेगी। और ज़्यादा नहीं, 4-5 बच्चे थोड़ा सा उनको डायरिया की ज़्यादा शिकायत थी, तो उनको हमने एडमिट करा है। एक बच्चा हमने यहाँ भी अभी एडमिट करा है, उसको ड्रिप लग रही है और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने भिजवा दिया है। और एक बच्चे को टाइफाइड भी आया है इसमें। अभी और बच्चों के सैंपलिंग भी मैंने भिजवाए हैं, देखती हूँ कि क्या उसमें रिपोर्ट आती है। और ऐसे कोई ज़्यादा सीरियस मामला नहीं है, बच्चे अभी कंट्रोल में ही हैं और लगातार मेरी टीम अभी आएगी और सुपरविजन में भी है और मेडिसिन उनको चल रही है। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।